हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उस्ताद, शेख, गुरु, टीचर, पीर, ये तमाम नाम पूरी दुनिया में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिए जाते हैं। हिंदुओं में गुरु को भगवान से ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है। सिख धर्म की बुनियाद ही गुरु है। मुसलमानों में उस्ताद को इल्म का मरकज़ कहा जाता है। सूफी परंपरा वाले मुसलमानों में पीर और मुरीद का सिलसिला चलता है। टीचर को प्यार से शेख भी कहा जाता है। लेकिन जब उस्ताद ही बदबख्त हो जाए, जब गुरु ही हवस का पुजारी हो जाए, जब शिक्षक ही भक्षक हो जाए, जब शेख ही शैतान निकल जाए, तब गुरु सिर्फ गुरु नहीं रह जाता बल्कि गुरु घंटाल हो जाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब आपका उस्ताद ही दंगाई, मवाली, सड़क छाप और अव्वल दर्जे का जाहिल निकल जाए तो क्या उसे टीचर कहा जाएगा? क्या उसे उस्ताद कहा जाए? क्या उसे शिक्षक कहा जाए? क्या उसे गुरु कहा जाएगा? क्योंकि इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीचर क्लास के एक छात्र को आतंकवादी कहता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि छात्र धर्म से एक मुसलमान है। ऐसे में अपने ही छात्र को आतंकवादी कहने वाले टीचर की ज़हनियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वायरल वीडियो में जिस छात्र को मुस्लिम बताया जा रहा है, वो छात्र इतना भी दूध पीता मासूम बच्चा नहीं था। छात्र ने भरी क्लास में टीचर की इज्जत उतार कर रख दी है। कसम से छात्र ने गुरु घंटाल की ऐसी बखिया उखेड़ी है जिसकी चर्चा इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। छात्र ने टीचर को इतने खरी खोटी सुनाई है कि मास्टर साहब की जबान लड़खड़ाने लगी। छात्र ने मास्टर साहब को माट साहब बना दिया। उनकी बोलती बंद हो गई, उनकी आवाज़ हलक में अटक गई। और तो और, माट साहब को छात्र ने भरी क्लास में शर्मिंदा कर दिया। माट साहब को उसी छात्र ने सबके सामने जलील कर दिया जिसे माट साहब आतंकवादी कह रहे थे। जब एक छात्र को मुस्लिम होने की वजह से एक टीचर के जरिए आतंकवादी कहे जाने की घटना वायरल हो गई, तब पूरी दुनिया से टीचर के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी। ये घटना देश की जानी मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शुमार कर्नाटक के मैंगलोर की मणिपाल यूनिवर्सिटी की है, जहाँ एक छात्र को उसके मुस्लिम होने के कारण आतंकवादी कहने की घटना सामने आई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि छात्र को आतंकवादी कहने वाला खुद टीचर है। लेकिन उससे भी शर्मनाक घटना उसी क्लासरूम में नजर आती है। उसी के क्लासमेट इस शर्मनाक घटना पर ठहाके मारकर हंस रहे होते हैं। अपने सहपाठी के साथ इस तरह की घटना के सामने छात्र का साथ न देकर ऐसे छात्र न सिर्फ नफरती टीचर का साथ दे रहे हैं बल्कि अपने ही क्लासमेट के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि छात्र का साथ देने के लिए केवल उसी की बेंच पर बैठी एक छात्रा मौजूद होती है, लेकिन बाकी मर्द छात्रों ने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। वो इस घटना के मज़े ले रहे हैं। ऐसे ही छात्र अक्सर मज़े लेने के लिए स्कूल आया करते हैं, लेकिन बेशर्म और वाहियात टीचर की घटना अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जब टीवी स्टूडियो की नफरत घर के अंदर घुस जाए तो घर में आग लग जाती है। जब एंकरों के जरिए फैलाया जाने वाला जहर क्लासरूम में पहुंच जाए तब उसे मणिपाल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अब इस घटना के सामने आने के बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल है क्या जांच में कसूरवार पाए जाने पर उस संघी मानसिकता वाले टीचर को यूनिवर्सिटी से बेदखल किया जाएगा? आखिर क्यों टीचर कहने लगा मुस्लिम छात्र को आतंकी? आखिर क्यों स्कूलों में मुस्लिम छात्रों को कहा जा रहा है पाकिस्तानी? आखिर क्यों जहरीले टीचरों ने किया स्कूलों पर कब्जा? आखिर क्यों छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को बनाया जा रहा है नफरत का शिकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक के उडुपी में MIT के एक प्रोफेसर ने छात्र को कथित तौर पर आतंकी कसाब के नाम से बुलाया। छात्र ने प्रोफेसर के शर्मनाक बयान की वजह से जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद प्रोफेसर ने बाकी छात्र के सामने सॉरी बोला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में छात्र के विरोध जताने वाले हिस्से से शुरू होता है। वीडियो में कसाब नाम नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछे जाने पर स्टूडेंट ने जब अपना नाम बताया तो टीचर के मुंह से निकला, ओ यू आर लाइक कसाब, अर्थात ओ तुम कसाब की तरह हो। कसाब वही है जिसने 2008 को मुंबई हमला किया था। ऐसे आतंकी के नाम से बुलाए जाने पर छात्र गुस्से से भर गया और टीचर से पूछने लगा कि क्या आप अपने बेटे को किसी आतंकी के नाम से बुला सकते हैं। जब छात्र के जरिए जमकर सवालों जवाब होने लगा तब प्रोफेसर की जबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि छात्र अब अपने ही टीचर पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन टीचर ने कहा वो उसके बेटे के जैसा है, लेकिन छात्र ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर मेरे बाप ने मुझे आतंकी बुलाया होता तो मैं उसे अपना बाप मानने से इनकार कर देता। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद संस्थान ने 28 नवंबर को मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और प्रोफेसर के खिलाफ आंतरिक जांच पूरी होने तक क्लास लेने से मना कर दिया। जिस प्रोफेसर पर छात्र को आतंकी के नाम से बुलाने का आरोप लगा है वो MIT के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब दिमाग में नफरत भरी हो तो पढ़ा लिखा शख्स भी गोबर छाप हो जाता है, पढ़ा लिखा शिक्षक व्यक्ति भी सड़क छाप जाहिल बन जाता है। वीडियो में छात्र को प्रोफेसर का विरोध करते देखा जा रहा है, वहीं प्रोफेसर अपने बयान को मजाक में कही बात साबित करने का प्रयास करता है, लेकिन छात्र उन पर हावी हो चुका होता है। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने कहा कि इस लड़के की हिम्मत को सलाम। मणिपाल के एक प्रोफेसर ने एक मुस्लिम लड़के को आतंकी के नाम से बुलाया, उसने प्रतिरोध जताया तो प्रोफेसर ने कहा तुम मेरे बच्चे जैसे हो। लड़के ने कहा मेरे पापा ऐसा बोलते तो मैं उन्हें अपना मानने से इनकार कर देता। प्रोफेसर साहब सस्पेंड हो गए हैं। पत्रकार सौरभ शुक्ला लिखते हैं कि ये हार है, इसलिए है कि अपने साथी के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ ना हुई, वो तो बोला पर साथ देने वाला कोई नहीं दिखा। पत्रकार सदफ आफरीन कहती हैं कि बचपन में हमें शिक्षक पढ़ाते थे कि आतंकवादी वो होते हैं जो देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाते हैं। यहाँ देखिए, एक शिक्षक ने एक स्टूडेंट को टेररिस्ट कहा, जिससे उस शिक्षक का एक कौम के प्रति घटिया सोच दिखाई पड़ती है। बताइए बच्चे का क्या कसूर। लेकिन सवाल है कि प्रोफेसर के सॉरी कहने से क्या प्रोफेसर के दिमाग की गंदगी साफ हो जाएगी? क्या मुसलमानों के खिलाफ प्रोफेसर के विचार बदल जाएंगे? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल MD वेंकटेश ने कहा कि जब इस तरह का गंभीर आरोप लगता है तो हमें सावधान रहना पड़ता है, ये कठिन परिस्थिति है। अभी जांच कमेटी गठित की गई है और नतीजा एक दो दिन में सामने आ जाएगा। हमें निष्पक्ष और पारदर्शी होना होगा, हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिलहाल छात्र और शिक्षक दोनों की रक्षा करना अहम है, इसलिए जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को क्लास नहीं देने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रोफेसर के संपर्क किए जाने पर उन्होंने दावा किया है कि मैंने कहा था कैसे हो, हाउ आर यू, उसने गलत सुन लिया। अगले दिन सब सामान्य हो गया था और फिर से उसी कक्षा में उन्हीं छात्रों को पढ़ाया था। प्रोफेसर के जरिए सॉरी कहने जाने पर जब पूछा गया तब प्रोफेसर ने कहा कि उसे लगा कि ये गलत था, मुझे आपको उत्तर नहीं देना चाहिए, केवल पुलिस को बताना चाहिए, अगर वो पूछती है तो। मैं ऐसे सवालों पर सहज नहीं हूँ क्योंकि इससे कैंपस का सद्भाव प्रभावित हो रहा है। MIT ने बयान में कहा कि संस्थान कैंपस के रूप में सबसे बड़ी विविधता होने के नाते खुद पर गर्व करता है और जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के बावजूद सभी के साथ समान व्यवहार करके हमारे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वीडियो को स्वीडन की एक संस्था के प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने शेयर किया था। उन्होंने लिखा, भारत में क्लास में एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहा, भारत में अल्पसंख्यक होने का मतलब यही रहा है। इसी तरह से साल 2018 में लेखिका नाजिया रम ने अपनी किताब मदरिंग अ मुस्लिम के लिए 12 शहरों में 145 परिवारों और दिल्ली के 25 नामी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 बच्चों से बात की। ये बताती हैं कि 5 साल के बच्चे भी निशाने पर लिए जा रहे हैं। नाजिया इरम ने BBC को बताया कि अपने शोध के दौरान मैं हैरान रह गई, मैंने सोचा नहीं था कि इन उच्च वर्गीय स्कूलों में ऐसा हो रहा है। वो पूछती हैं, जब 5 और 6 साल के बच्चे कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी या आतंकवादी कहा जा रहा है तो आप क्या जवाब देंगे, आप स्कूल से क्या शिकायत करेंगे?
इनमें से बहुत सारी बातें मजाक में कही जाती हैं, हंसने के लिए कही जाती हैं। ऐसा लग सकता है कि इस उपहास का कोई नुकसान नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। ये दरअसल बुलिंग है, उत्पीड़न है। इरम ने अपनी किताब के लिए जिन बच्चों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि कौन कौन से सवाल उनसे किए जाते हैं या क्या क्या टिप्पणियाँ करके उनके ऊपर की जाती हैं। क्या तुम मुसलमान हो? मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। क्या तुम्हारे माँ बाप घर पर बम बनाते हैं? क्या तुम्हारे पापा तालिबान में हैं? वो पाकिस्तानी हैं, वो आतंकवादी हैं, उसे गुस्सा मत दिलाओ, वो तुम्हें बम से उड़ा देगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे नफरत फैलाने का दौर चल रहा है। लेकिन एक टीचर का क्या मजहब है, एक टीचर का क्या धर्म है? तो जवाब कुछ भी नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामिनी पिशेक हमारी न जाइयो, तरदामिनी पिशेक हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।